Assalamu alaikum, this is our host Fadil. Welcome back to my channel. I hope sab acche se honge, ghar mein sab mazze mein honge. To bhai, chalte hum apni manzil ki taraf. To aaj hamara plan hai Titanic Hoop Point pe jane ka. To guys, hum chal rahe hain Titanic Hoop Point ki taraf. तो गाइस हम रोड से नहीं जा सकते क्योंकि रोड पे अब रोड अभी ब्लॉक होगा, रोड पे बर्फ होगी. गाइस हमको शॉर्ट रास्ते से ही जाना होगा. तो गाइस हमको चल के ही जाना होगा. तो चलते चलते आपको बीच के व्यू दिखाते जाएंगे हम. गाइस बने रहो हमारे वीडियो के साथ. गाइस तो चलते हम टाइटैनिक व्यू पॉइंट की तरफ. चलो, इस हिसाब से नीचे बर्फ पड़ी है, उस हिसाब से तो टाइटैनिक व्यू पॉइंट पे इससे दुगनी बर्फ पड़ी होगी. गाइस आपको बताता चलूं गाइस कि टाइटैनिक व्यू पॉइंट से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का आधा हिस्सा दिखता है. गाइस मेरे साथ आदिल पीछे पीछे, तो रास्ता नहीं है तो मैं खुद ही आगे रास्ता बना रहा हूं. क्योंकि गाइस इधर इस साइड भी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है, नीचे से ज्यादा इस साइड बर्फ पड़ी है. आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी है, लेकिन व्यू भी मस्त आ रहे है. इस टाइम व्यू बहुत ही सुंदर है. गाइस हम अभी चल रहे हैं टाइटैनिक व्यू पॉइंट की तरफ. तो ये है मेरे पीछे आदिल, जो आप देख सकते हो जो कि बहुत ही स्लो चल रहा है इस टाइम. गाइस आपको टॉवर दिख रहे हैं, तो वहीं पे हमको पहुंचना है जो कि अभी बहुत दूर है यहाँ से. तो हम रोड से नहीं जा सकते थे क्योंकि रोड पे अभी बर्फ होगी, रोड ब्लॉक होगा. तो इसलिए हमको बीच का शॉर्ट का रास्ता, शॉर्ट के रास्ते से हमको आना पड़ा. कम से कम हमको अभी टाइटैनिक व्यू पॉइंट तक एक घंटा लगेगा कम से कम, क्योंकि रास्ता नहीं बना है वहां पे, वहां तक अभी रास्ता नहीं बना है. तो गाइस आप देख सकते हो गाइस कि कितने अच्छे नजारे हैं इस टाइम. सीधे वाकई जन्नत लग रहा है इस टाइम यहाँ पे. गाइस हर साइड व्हाइट ही व्हाइट है. पता नहीं क्या कर रहा है, बर्फ को हाथ में पकड़ी है इसने बर्फ. तो इसको मेरे ख्याल से ठंड नहीं लग रही है इस टाइम, क्योंकि अभी इसको जोश है, इसको पता है कि लोग हमको सपोर्ट करेंगे, हमारे व्यू हमारे व्लॉग को सपोर्ट करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे. तो गाइस प्लीज हम सबको सपोर्ट करो, शेयर करो दोस्तों में. तो गाइस जो वो आगे पहाड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम, तो ये वे है वहां से, वहां पर जवाहरलाल टनल निकलती है जो कि जम्मू का रास्ता है. गाइस तो इस पिछले वीडियो में जो आपने भाई के लिए प्यार दिखाया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भाई को आप ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहोगे. आप सोच रहे होंगे कि भाई इस खाली बर्फ दिखाता है, खाली बर्फ में व्लॉग बनाता है. तो गाइस अभी तो जो जो यहाँ पे अच्छी चीजें होंगी वो आपको भाई दिखाता चलेगा. गाइस मैंने सोचा है कि जो जो यहाँ पे अच्छी चीजें होंगी देखने के लिए, तो भाई आपको दिखाता चलेगा वो चीजें. तो इंशाल्लाह अभी मैं भाई अभी मैं पूरा व्लॉगर नहीं बना हूँ, मेरे को अभी उतना नहीं आता है. गाइस मैं व्लॉगर नहीं हूँ अभी, तो मैं सीख ही रहा हूँ. तो इंशाल्लाह आपका भाई जल्दी सीख जाएगा. तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे. तो ये गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना हसीन नजारा. तो ये आदिल चल रहा है मेरे पीछे क्योंकि इस बिचारे को बहुत ही ज्यादा ठंड लगी है इस टाइम. नहीं सोचा था कि इतनी बर्फ होगी ऊपर, लेकिन ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्फ है गाइस अभी. तो ये देख सकते हो कि आप आदिल चल भी नहीं पा रहा है इतनी बर्फ में. ये देख सकते हम खुद ही रास्ते ही बना रहे हैं यहाँ पे अभी, तो आदिल चल ही नहीं पा रहा है. बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम दोनों. बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम. तो आप देख सकते हो गाइस बर्फ में अगर इंसान जितना ऊपर से गिरेगा ना, तो लगती नहीं है चोट नीचे, मतलब ज्यादा ऊपर से जब बंदा गिरेगा तो मर जाएगा. मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब जितने ऊपर से हम गिरे हो भी उतने ऊपर से गिरेगा तो कुछ भी नहीं होगा बंदे को. गाइस बस आप भाई को सपोर्ट करते रहो, हमारे व्लॉग देखो, क्योंकि गाइस अभी हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है. हमने स्टैंड ऑर्डर किया था, अभी पहुंचा ही नहीं, वो दो तीन दिन के बाद पहुंचेगा वो. और माइक ऑर्डर की थी, अभी तो हम मोबाइल से व्लॉग बना रहे हैं, मतलब हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है, तो माइक भी नहीं है, कुछ भी, कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास. तो इंशाल्लाह आगे से इससे अच्छे वीडियो बना के लाएंगे गाइस आपके लिए. बस आप सपोर्ट करते रहो हमको. तो गाइस हम चल रहे हैं अभी टाइटैनिक व्यू पॉइंट की तरफ, तो वहां पर भी मस्ती करेंगे और आपको भी दिखाएंगे. इंशाल्लाह आप भी एंजॉय करोगे हमारे वीडियो देख के. तो आपसे उम्मीद है ये
ही मस्त नजारा, मतलब बहुत ही अच्छे नजारा आ रहा है अभी। तो बस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भाई की चैनल को सपोर्ट करो, भाई को। गाइस हमने कल सोचा था कि व्लॉग बनाएंगे, लेकिन कल बहुत कल जब भी हम कल बाहर घर से बाहर निकले, मतलब कल दिन को बर्फ पड़ रही थी पूरा दिन। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले, तो बाहर निकलते गेट से हम बाहर निकले तो बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई। फिर थोड़ा तो हम गए थे, हमने सोचा अब चलो कोई नहीं, अब निकले व्लॉग बनाने के लिए तो बनाएंगे व्लॉग। लेकिन गाइस फिर जैसे ही हम थोड़ा और नीचे गए, तो आदिल का मोबाइल जो था वो पानी में गिर गया, तो खराब हो गया उसका मोबाइल बेचारे का। तो नहीं तो उसी से हम व्लॉग बनाते थे, तो आज मेरे मोबाइल से बना रहे, इतना ठीक भी नहीं है मेरा मोबाइल, मतलब खराब ही है। तो गाइस बस आपकी सपोर्ट की नीड है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है आपकी सपोर्ट की। तो गाइस इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करोगे भाई को, तो आपको दिखाएंगे गाइस यहां से कि मतलब यहां से तो पूरा व्यू आएगा, अच्छा व्यू आएगा। आपको दिखाते हैं गाइस हम अभी का व्यू, मतलब यहां से अभी तो टाइटैनिक व्यू पॉइंट पे भी जाना है, यहीं से नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना दूर है यहाँ से टाइटैनिक व्यू पॉइंट। तो देखो गाइस हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कितना ऊपर, कम से कम 4-5 किलोमीटर, 10 हमारे घर से तो 8 किलोमीटर है, लेकिन अभी तक हमने कम से कम 4.5 किलोमीटर का फासला किया है, मतलब 4 किलोमीटर हमने तो किए अभी क्रॉस। अभी कम से कम और 3.5 किलोमीटर है गाइस, तो ऊपर चल के आपको दिखाएंगे उधर से, उधर से तो मतलब मस्त व्यू आएगा। तो यहाँ पे भी दिखाएंगे आपको हम कितना अच्छा व्यू है पीछे से गाइस, गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है अभी, मतलब बहुत ही कैंट व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस। तो वहां से जो स्ट्रेट में आपको दिखा रहा हूँ वहीं से नेशनल हाईवे, वहीं पे जवाहरलाल टंडल है, वहां पे तो एवलांच भी बहुत ज्यादा आते है, कि और उस साइड हम जा ही नहीं सकते क्योंकि एवलांच आने का खतरा होता है। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहे है टावर, ये तो मेरे ख्याल से रेडियो के टावर है ये। तो गाइस आप देख सकते हो चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है गाइस, क्योंकि जो के आगे कुछ भी रास्ता नहीं बना है, जैसे यहाँ से कुत्ते चले हैं, यहाँ से कुत्तों ने थोड़ा सा रास्ता बनाया है गाइस, तो चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है गाइस। प्लीज भाई को सपोर्ट करो, आपसे मेहरबानी, आपसे रिक्वेस्ट करता है भाई, प्लीज गाइस सपोर्ट करो भाई की चैनल को और दोस्तों में शेयर करो। और गाइस आप पीछे से व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। तो गाइस हम अभी पहुंचने वाले हैं नेशनल हाईवे पे, तो अभी थोड़ा सा रास्ता रह गया बाकी, बहुत ही ज्यादा ठंड है गाइस, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है अभी हमको। तो ये आदिल चल ही नहीं पा रहा है, मैं ही रास्ता बना रहा हूँ, गिर मैं ही रहा हूँ बर्फ पे, मेरे कपड़े तो पूरे गीले हो गए गाइस, अभी तो घर जाके फिर कपड़े चेंज करने होंगे, फिर तो वीडियो अपलोड करना है। फिर गाइस बस आपके सपोर्ट की जरूरत है गाइस, आप वीडियो देखोगे दोस्तों में शेयर करोगे, और ये मुझे बर्फ मार रहा है, मुझे बहुत ही जलील बंदा है ये, बहुत जलील बंदा है ये, क्योंकि मुझे पीछे से बर्फ, मैं ही आगे रास्ता बना रहा हूँ, गिर गया नीचे। आप देख सकते हो कितना मजा है गाइस, आदिल को देखो आप, लेटा है सोया है बर्फ में ये। तो वहां तक पहुंचने गाइस हमको, तो चलते गाइस बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हम चल रहे हैं टाइटैनिक व्यू पॉइंट की तरफ। बहुत ही मुश्किल हो रहा है चलना गाइस, क्योंकि वहां से तो कुत्ते चले थे, यहाँ से कुत्ता भी नहीं चला है कोई। गाइस बहुत ही ज्यादा थक गए हम चलते चलते, और कपड़े तो नीचे पूरे गीले हो गए हमारे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है गाइस। तो चल रहे हैं टाइटैनिक व्यू पॉइंट की तरफ, अभी तो कम से कम 500 मीटर है, लेकिन 500 मीटर को हमको लग रहा है कि एक घंटा लगेगा 500 मीटर में चलने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत ही मुश्किल रास्ता है, बर्फ पूरी है। आपको दिखाता हूं मैं आगे के हम कहां से चल रहे हैं, कितनी बर्फ है। तो गाइस आप देख सकते हो कि आगे कोई रास्ता नहीं बना है, तो देख सकते मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बर्फ पड़ी है पैर से। ये देखो गाइस इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है, कम से कम 2 फुट बर्फ है। ये देखो गाइस कितनी बर्फ है, बहुत ही ज्यादा बर्फ। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम टाइटैनिक व्यू पॉइंट पे, बहुत ही ज्यादा थक गए हम यहाँ तक गाइस, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी नहीं बना था, थोड़ा सा भी नहीं,
रास्ता बना था, वहां नीचे से तो खुद के चले थे, फिर भी थोड़ा सा रास्ता था, लेकिन यहाँ से नीचे से ऊपर तक बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। पहले हम ही वो इंसान है जो यहाँ पे आए। तो गाइस बहुत ही ज्यादा थक गए हम। तो चलते हैं गाइस, आपको अब दिखाएंगे टाइटैनिक व्यू पॉइंट का व्यू। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ गाइस। और अब हमने इतनी मेहनत की आपके लिए, तो प्लीज कोई वर्ड नहीं आ रहा है बोलने के लिए। लग रहा है यहाँ पे सब कुछ बहुत ही हसीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे सब कुछ गाइस। तो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही कैंट जगह है घूमने के लिए। तो यहाँ आ सकते हो आप गाइस अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। हम रुकेंगे यहाँ पे थोड़ी देर और आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि कितना कैंट व्यू आ रहा है यहाँ से। ये तो छोटा गुलमर्ग है, इसको हम छोटा गुलमर्ग भी कह सकते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही अच्छे मतलब कैंट पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ खाली व्हाइट ही व्हाइट है, हर साइड बर्फ ही बर्फ है गाइस। गाइस आप देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कैंट व्यू आ रहा है गाइस। आप आ सकते हो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो आज का जो व्यू है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइस। और प्लीज बाइक ही चैनल को सब्सक्राइब करो सब और शेयर करो। बाइक को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है बाइक को। और गाइस मैं आपके लिए इतना ऊपर आया वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करो बाइक की चैनल को, शेयर करो दोस्तों में। तो इंशाल्लाह इसमें हम अलविदा लेते हैं गाइस, रुख्सत लेते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तो इससे अच्छा कॉन्टेंट लाएंगे अगले वीडियो में गाइस। तो प्लीज बाइक की चैनल को सब शेयर करो फ्रेंड में, दोस्तों में, एफबी पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी है गाइस हर जगह शेयर करो बाइक की चैनल को। और बाइक इस वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट करो। इंशाल्लाह जैसे आपने पिछले वीडियो में प्यार दिया, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे की आप इस वीडियो को ऐसे ही जैसे आपने पिछले वीडियो में प्यार दिया बाइक को, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बाइक को प्यार करोगे। तो इंशाल्लाह गाइस रुख्सत लेते हैं आपसे, खुदा हाफिज़।